हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्विंट की सर्जरी। स्क्विंट को आंखों का तिरछापन भी कहा जाता है, आंखों का भेंगापन भी कहा जाता है। बेसिकली स्क्विंट में क्या होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो एक नॉर्मल इंसान की आंखें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, लेकिन स्क्विंट में ये आंख तिरछी हो जाती है। अब ये तिरछापन बाहर की साइड भी हो सकता है, अंदर की साइड भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सो अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, बाकी आप पिक्चर तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे आप आ रही है पिक्चर आपके सामने। देखिए एक नॉर्मल इंसान की आंखें जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये सीधा और ये सीधा, बिल्कुल दोनों आंखें स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन स्क्विंट में क्या होता है या भेंगेपन में क्या होता है, ये आंख मान लीजिए अंदर की तरफ चली गई, यहाँ हो गई आंख, या ये बाहर की तरफ भी जा सकती है, जरूरी नहीं अंदर हो, बाहर भी हो सकती है ये आंख। तो ये देख रहे टेढ़ी हो गई, एक आंख सीधी और एक आंख बाहर की तरफ तिरछी हो गई, या एक आंख सीधी एक आंख अंदर की तरफ तिरछी हो गई, या ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्विंट, SQUINT, ठीक है जी। अब इसका ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए सपोज ये आंख है और ये आंख टेढ़ी हो गई बाहर की तरफ हो गई, तो आंखों की जो मूवमेंट है वो आंखों में मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करती है। तो मान लीजिए आंख बाहर की तरफ टेढ़ी हो गई, तो हम इस मसल को लूज कर देते हैं और इस मसल को टाइट कर देते हैं, और ऐसे हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आंख दोबारा सीधी हो जाती है और पेशेंट दिखने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये सर्जरी कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर गौरव कक्कर, जो एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सर्जरी होती कैसे। ये स्क्विंट का पेशेंट था, इसका जो आंखें तिरछी थी बचपन से ही, हमने ऑपरेशन करके इसकी आंख सीधी कर दी है इनको। अब ऑपरेशन के बाद फिर देखेंगे क्या है।